गन्नौर लघु सचिवालय में स्थित एसडीएम कार्यालय में आरसी व लाइसेंस की समस्याओं को लेकर मिल रही शिकायतों पर सीएम फ्लाइंग ने गुप्तचर इकाई गन्नौर के साथ लगातार दूसरे दिन भी रेड की। इंस्पेक्टर श्रवण कुमार के नेतृत्व में टीम ने सुबह 9:30 बजे कार्यालय में दस्तक दी और जिससे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। सीएम फ्लाइंग ने हाजिरी रजिस्टर चेक किया, कई कर्मी नदारद मिले। सीएम फ्लाइंग टीम आरसी व लाइसेंस शाखा में पेंडिंग आवेदनों की जांच में जुटी है। आरसी व लाइसेंस आवेदन के लिए पहुंचे लोगों ने कर्मचारियों पर समय से काम ना करने के आरोप लगाए। एमआरसी ज्योति पर आरोप लगाया कि डॉक्यूमेंट्स ठीक होने के बाद भी कोई ना कोई कमी निकाल देते हैं, कई चक्कर काटने के बाद वही डॉक्यूमेंट सही हो जाते हैं। गन्नौर एसडीएम 29 जनवरी से 2 फरवरी तक गुरुग्राम में ट्रेनिंग पर गए हैं। उनकी गैर हाजिरी में दफ्तर में आमजन को काम कराने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा नाम पंकज कुमार है, गांधीनगर से हूं मैं। अच्छा, यहां किस काम के लिए आए थे एसडीएम कार्यालय में? मैं यहां पे आया था अपनी बाइक की आरसी के लिए, नई बाइक ली थी, तो 5 तारीख को मेरी आरसी अप्रूव हुई थी। हाँ। तो उसके बाद मैं 5वीं बार आ चुका हूँ। अच्छा। पहली बार आया तो बोले अभी तैयार नहीं हुई है। अच्छा। दूसरी बार आया प्रिंट नहीं हुई है। तीसरी बार आया प्रिंट राला छुट्टी पर जाया हुआ है। फिर मैं कल भी आया था, तो कल भी मैडम नहीं थी, तो आज आया हूँ। आज भी कोई देखो क्या रहता क्या नहीं रहता है। हाँ जी, और चलान कटता कटता बचा मेरा संडे को जी, रिक्वेस्ट थी। नाम सुनील कुमार है, गांव बजाना कला से हूँ मैं। अपनी न्यू गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ कम से कम भी 1 महीने से चक्कर काट रहा हूँ। ये मेरा कम से कम भी 5वां या 6वां चक्कर है, जिसका मेरे पास मतलब टोकन भी है। तो पहले जैसे मैं पहली बार आया था, थोड़े डॉक्यूमेंट में कमी निकाल दी गई। मैंने वापस में मतलब एजेंसी में गया, वहाँ उन्होंने बोला कि डॉक्यूमेंट पूरे हैं, बिल्कुल कंप्लीट हैं। मैं वही डॉक्यूमेंट दोबारा से लेके आया, मैडम ने वेरीफाई कर दिया। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आप 10 दिन बाद आवा। मैंने कहा 10 दिन बाद मैम क्यों आऊँ? तो फिर उन्होंने बोला कि फ़ीस नहीं उठा रही अभी, क्योंकि फ़ीस तो ऑलरेडी कटी हुई थी। एक 30 रुपये के टोकन था, उसके बाद वो बोले 35 का कटे। मैंने कहा मैं अभी कटवा लेता हूँ मैम, मैं छुट्टी करके आया। तो मैं वापस चला गया, मैं फिर से आया। दो बार मुझे वो छुट्टी पे मिली यहाँ खिड़की पे, ना कोई उनका लिंक ऑफिसर मिला मुझे कि कोई फाइल को सबमिट करा ले। उसके बाद फिर मैं कल भी आया, कल भी वो सीट पे नहीं मिली। सीएम फ्लाइंग से आई हुई थी, मैंने उनको अपनी समस्या बताई थी। उसके बाद मैं फिर से आया। किस डिपार्टमेंट में? सर मेरा गांव का, यहाँ गांव से मेरा रेजिडेंस कम से कम 20 से 25 किलोमीटर है, और मैं दिल्ली जीएडी में काम करता हूँ सर। जीएडी में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में मैं वर्किंग हूँ, और स्पेशली मैं कम 2 छुट्टियाँ करके आ चुका हूँ। कल भी मैं छुट्टी करके आया था, और आज भी छुट्टी करके आया हूँ, और उससे पहले भी एक छुट्टी में लेके ये काम करवाने के लिए अपना आया। सर एक तरफ तो सरकार कहती है कि हमने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है, सारी चीज़ें आपको फ़ोन पे या फिर आपको किसी मतलब डीलर से या किसी से बात करने की हमें बीच में ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वही चीज़ें यहाँ मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। वो चीज़ें हमें यहाँ देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रही हैं। अगर मतलब एजेंसी से डायरेक्ट इनका डीलर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाता है तो वो काम जल्दी से हो जाता है। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट खुद लेके आते हैं तो हमें यहाँ बार बार चक्कर कटवाए जाते हैं। मैं जी, मेरा नाम रोहित दांगड़ा है, बाय गांव से, गन्नौर से। क्या काम के लिए यहाँ कार्यालय पे आए थे? सर ये डुप्लीकेट लाइसेंस निकलवाना है, 6 महीने से परेशान हूँ मैं। 6 महीने से फीस कटी हुई है मेरी। कभी मैडम बोल देती है मैंने फायर कटवा रखी थी, ना फायर कटवा ली, इसमें कहती है इसमें ड्राइविंग लाइसेंस कटवाओ या कटवाओ। जब ड्राइविंग लाइसेंस लिखवा दिया मेरा, गुम हो रहा, तो बोलते हैं कैसे गुम हुआ, क्या हुआ? तो मैं फायर कटी हुई सूचना देखो क्या गुम हुआ। फिर एक बार फाइल चेक नहीं करती, दोबारी बार आया तो बोल रही है इसमें फैमिली आई डी लगी हुई। दोबारा आया लाइसेंस की कॉपी दे, अरे लाइसेंस है नहीं मेरे पास, कॉपी कहाँ नहीं दे, मुझे बताओ। कितनी बार आप कार्यालय आ लिए? सर मैं छुट्टी करके इस महीने में 4 बार तो इस महीने में आ लिया थी। छुट्टी पर मिलती है मैडम अर्दम, कल आ रही, कल भी छुट्टी, परसों बोल रही एसडीएम नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, ये आज कर। इसके बाद आपने कहीं शिकायत दी? कहीं शिकायत नहीं दी जी, आज आया हूँ, आज देखते क्या होता है जी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।